मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50, पेंशन में 30 और इसके साथ साथ महाना उजरत उसमें भी खातर खा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से क्या तजावीज़ हैं, आइए वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एम्प्लॉयज़ न्यूज़, न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आज ही की अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि है वफाकी बजट के हवाले से। तनख्वाहों में बड़ा इजाफा तजवीज़ किया गया है इस बजट में। सख्त फैसलों के बावजूद IMF प्रोग्राम फाइनल नहीं हो रहा, नतज की परवाह किए बगैर आवाम को रिलीफ दिया जाए। सियासी मशीरों ने हुकूमत को अपनी तजावीज़ दे दी। माशी माहरीन ने पॉपुलर फैसलों के नतज से भी खबरदार कर दिया है। वजीर ख़जाना इसाक डार इतिहादी जमातों से तजावीज़ लेने के बाद 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा, जबकि वजीर ख़जाना इसाक डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। इस ज़मन में इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ भी ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड पर भी अहम फैसले करके इजरा का अमल तेज़ किया जाएगा। हकूमती हलकों का कहना है कि वजीर आज़म और उनकी टीम को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफा करने, मजदूर की कम अज़ कम उजरत 35 से 40 हज़ार मुकर्र करने और पेंशन में 30% तक इजाफे की तजावीज़ दी जा रही हैं। हकूमती मशीरों का मौक़िफ़ यह है कि मौजूदा हुकूमत का ये बजट आखिरी बजट है, इसके बाद इलेक्शन में जाना है, इसलिए बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाए और पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में भी 100 रुपये तक की कमी की जाए। इस रिलीफ पैकेज के नतज चाहे कुछ भी हों, इसे कानूनी शक्ल दे दी जाए, क्योंकि IMF से पैकेज लेने के लिए आवाम पर जो बोझ डाला गया था, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ रही है और IMF से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। IMF का वो प्रोग्राम जिसके हसूल के लिए गुज़श्ता बजट में आवाम पर बोझ डाला गया था, वो प्रोग्राम अभी तक कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अब आवाम को हर कीमत पर रिलीफ दिया जाए। ताहम कुछ मशीरों ने खबरदार किया है कि जिस तरह इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़तरे में देखकर पेट्रोलियम कीमतों में कमी या पॉपुलर फैसला किया था, ऐसा कोई भी फैसला मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। ये थी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।